हेलो फ्रेंड्स, नीलिमा क्रिएशन में आपका फिर से स्वागत है। तो आज मैं आपको ये राउंड शेप डोरमेट की डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। इसे मैं आज आपको 30 फंदे में बनाना बताऊंगी। 30 फंदे में भी बहुत ही बड़ा बनकर तैयार हो जाएगा अगर आप इसे पुरानी चुन्नी या साड़ी से बनाएंगे तो। आप जो ये डिज़ाइन देख रहे हैं इसे ऊन से बनाए हैं और ये देखिए ऊन से ये टेबल मेट की तरह ये बनकर तैयार हो गया है। आप इस डिज़ाइन को किसी भी प्रोजेक्ट में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे डोरमेट, टेबल मेट, थालापोश, कुछ भी अपनी आवश्यकता अनुसार आप इसे बना सकते हैं। इस डिज़ाइन को समझने के लिए वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा और अगर कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, साथ में कमेंट भी कर दीजिएगा, तो जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ आप लोग को ये डिज़ाइन अच्छा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देख लेते हैं ये कैसे बना हुआ है। वैसे तो बहुत ही इजी डिज़ाइन है, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये ग्रीन कलर से 30 फंदा ले, इसी से हम लोग 30 फंदा ले लेते हैं। फ्रेंड्स, ये वाला डिज़ाइन आप बेझिझक होकर इसे ट्राई कर सकते हैं, इसमें कोई झोल सिलवट नहीं आएगा। हर डिज़ाइन को बनाने का तरीका अलग होता है और अगर इससे मिलता जुलता बहुत सारे आप डिज़ाइन देखे होंगे जिसको ट्राई भी किए होंगे लेकिन उसमें झोल आ जाता होगा, लेकिन ये वाला डिज़ाइन में हम गारंटी लेते हैं कि कोई भी झोल सिलवट आपका नहीं आएगा। प्लीज़ एक बार आप इसे ट्राई करिएगा, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है और बहुत सुंदर लगता है बनने के बाद, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इसी तरह से सारे फंदे ले लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें 30 फंदा ले लिए हैं। अब देखिए इसका पहला ही लाइन से इस डिज़ाइन को शुरू करेंगे। तो अब इसमें जैसे पिंक कलर लगा हुआ है तो हम लोग पहले ही लाइन में इसमें पिंक कलर लगाएंगे। ये देखिए इस कलर को भी डबल कर लिए हैं। आप चाहे तो इसे बांध भी सकते हैं। एक ही बार हम लोग को इसमें कलर लगाना पड़ता है, फिर बाद में बार बार हमको कलर नहीं लगाना है, तो यहाँ बांध देंगे बाद में। अब देखिए यहाँ पे बाकी जो बचे हैं ग्रीन कलर वाले, सबको इस तरह से उल्टा उल्टा बिनना है। ये देखिए फ्रेंड्स, आगे इसके अंत में हम लोग यहाँ पे 2 फंदा बिना बुने छोड़ देंगे और यहीं से धागा को पलट देंगे। सीधी साइड में जहाँ पे जो जैसा कलर है वैसे ही बिन लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, बिनते हुए आगे इसके ऊपरी साइड में इसे पीछे कर देंगे, पिंक वाला धागा को सामने ले आएंगे और फिर बिनेंगे इस तरह से। ये देखिए दूसरे लाइन में भी सेम करेंगे। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, पहला वाला फंदा इस तरह से उठा लेंगे, हमेशा पहला वाला फंदा उठा लेना है, फिर धागा को पिंक वाला को सामने लाएंगे और ये जो ग्रीन वाला है उसमें से एक ही फंदा को इस तरह से बदल देना है। अब यहाँ से बाकियों को ग्रीन वाले को सबको बिनते जाना है उल्टा उल्टा, बिनते हुए एकदम अंत तक जाएंगे। अंत में फिर से यहाँ पे 2 फंदा बिना बुने छोड़ देंगे। तो कर लेते हैं वहां तक। ये देखिए फ्रेंड्स, आ गए अंत में यहाँ छोड़ देते हैं इन दोनों को और सीधे साइड से वापस बिनते हुए यहाँ तक आ जाएंगे। सेम इसी तरह से यहाँ पे एक एक फंदा ये बदलते जाएंगे, कन्वर्ट करते जाएंगे और इधर से 2-2 फंदा छोड़ते जाएंगे। तो इसे यहाँ पे हम लोग 18 फंदे तक छोड़ लेते हैं और इधर एक एक फंदा कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके आगे बताते हैं कि क्या करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, बिनते हुए यहाँ तक बिन लिए, इधर से 18 फंदे तक छोड़ दिए हैं यहाँ तक। यहाँ पे 3 फंदा ग्रीन में रह गया है, इधर 9 फंदा हम लोग कन्वर्ट कर लिए हैं। देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9। अब देखिए यहाँ पे 10वां फंदा कन्वर्ट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे कन्वर्ट कर लिए, दोनों को यहीं पे छोड़ देते हैं। सीधी साइड से बिनते हुए वापस यहाँ तक कर लेंगे। ये देखिए आ गए,
इसके ऊपरी साइड में। अब देखिए इस लाइन में क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक सबको बिन देंगे, जहाँ पे जो जैसा कलर है वैसे ही। इसे एकदम अंत तक बिन लेंगे। सीधी साइड से वापस बिनते हुए यहाँ तक बिन लेंगे। देखिए फ्रेंड्स आ गए इसके ऊपरी साइड में। अब देखिए फ्रेंड्स जैसे हम लोग ये धीरे धीरे पिंक वाला बढ़ाते गए हैं, अब वैसे ही इसे कम करते जाएंगे। जैसे देखिए ये पत्ती शेप में बना हुआ है, पहले ये ऊपर की तरफ गया फिर ये डाउन गया है, वैसे ही देखिए यहाँ पे अभी ये डाउन गया है, इसे फिर ऊपर की तरफ हम लोग करते जाएंगे ग्रीन वाला धागा को। तो देखिए यहाँ पे 10 फंदा पिंक में है, तो सिर्फ 9 फंदा ही हम लोग इसे बिनेंगे पिंक वाले को। और ये जो एक फंदा रह गया उसे ये ग्रीन वाले से बिन देंगे। बाकियों को बिनते हुए जाएंगे एकदम अंत तक, अंत में फिर से 2 फंदा बिना बुने छोड़ देंगे। तो यहाँ तक बिन लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स आ गए अंत में, यहाँ पे 2 फंदा बिना बुने छोड़ देते हैं, इसे धागा को पलट देते हैं। सीधी साइड में जहाँ पे जो जैसा कलर है वैसे बिनते हुए एकदम ऊपर तक इसे बिन लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स आ गए इसके ऊपरी साइड में। अब देखिए अब यहाँ 9 फंदा रह गया है, तो इसे यहाँ पे सिर्फ 8 ही फंदा को हम लोग को बिनना है पिंक कलर से, 1 फंदा ग्रीन कलर से कन्वर्ट कर देना है, और फिर बिनते हुए यहाँ पे 2 फंदा बिना बुने छोड़ना है। ऐसे ही धीरे धीरे ये ग्रीन वाला धागा एकदम यहाँ तक पहुँच जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स सिर्फ 8 ही फंदा बिनेंगे, ये वाला एक जो है इसे ग्रीन कलर से बिन देंगे, फिर से बाकियों को बिनते जाएंगे और यहाँ से 2 फंदा बिना बुने छोड़ देंगे। वैसे ही इसे बढ़ाते हुए एकदम यहाँ तक कर लेते हैं, इसे इधर से 2-2 फंदा छोड़ते हुए 20 फंदा तक छोड़ देते हैं उसके आगे। देखिए फ्रेंड्स बिनते हुए यहाँ तक बिन लिए, अभी यहाँ पे सिर्फ एक ही फंदा पिंक कलर का रह गया है, और इधर में देखिए 18 फंदे तक हम लोग छोड़ दिए हैं। देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ये 18। अब ये वाला जो फंदा रह गया उसे कन्वर्ट कर लेंगे और फिर यहाँ पे 2 फंदा छोड़ देंगे, यानी 20 फंदा तक हम लोग को छोड़ देना है। तो जिस तरह से कन्वर्ट कर लिए अब बिन लेते हैं इन्हें। ये देखिए आ गए, यहाँ पे 2 फंदा छोड़ देते हैं, इस धागा पलट देते हैं, इस साइड से वापस बिनते हुए यहाँ तक कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स बिन लिए। अब देखिए अब इस वाले लाइन में सबको साथ में लेकर के यहाँ तक के फंदे बिन देने हैं। बिनते हुए अंत में आ गए, अंत में सारे ही फंदे यहाँ पे बिन लेना है। सीधी साइड से वापस बिनते हुए यहाँ तक कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स आगे बिनते हुए इसके ऊपरी साइड में यहाँ पे इस तरह से सीधी साइड में देखिए 2 लाइन जिस तरह यहाँ पे दिखेगा, और यहाँ पे भी इस तरह 2 लाइन दिखेगा, और ऐसे ही सारा कली में ऐसे ही आपको मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे फिर से जैसे पहला लाइन में किए थे बिल्कुल वैसे ही करेंगे। अब यहाँ पे जो ये ग्रीन कलर वाला है उसे पिंक कलर से कन्वर्ट करेंगे, इसको अच्छे से खींच देंगे और इसे एक फंदा को यहाँ कन्वर्ट कर देंगे। फिर से ग्रीन से ही बिनते हुए जाएंगे
और अंत में दो फंदा बिना बुने छोड़ेंगे। जैसे आप ये वाला जैसे डाउन किए थे बिल्कुल वैसे फिर से डाउन करेंगे तो ये पत्ती शेप में आ जाएगा। इसी तरह से इसे बनाते हुए पूरा गोलाई में से कंप्लीट कर लेंगे तो इसकी तरह ही ये बनकर तैयार हो जाएगा। ये वाला डोर में थोड़ा दो चार फंदे इसमें ज़्यादा लिए हैं तो ये थोड़ा सा बड़ा बना है, इससे थोड़ा साइज में ये छोटा बनेगा, बाकी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। देखिए लगभग इसी साइज का ही वो बन करके तैयार हो जाएगा। तो अंत में जब सारी कलियां कंप्लीट हो जाएगी तो दो दो फंदे साथ में लेके जैसे फंदे बंद करते वैसे फंदे बंद करके सुई धागे से सिलाई कर लेंगे। देखिए बैक साइड से यहाँ पे सुई धागे से इस तरह से सिलाई किया गया है। इसी तरह से इसे भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे।